इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का खुलासा कर दिया। संदिग्ध मौत का पूरा मामला हत्या का निकला, जिसमें आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी ही निकला है, जिन्हें रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी की तलाश जारी है। इंदौर के बाणगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर स्वराज डाबी ने कहा कि 14 जुलाई को अरविंदो हॉस्पिटल से बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि किट्टू उर्फ कनीराम नामक व्यक्ति को उसके परिजन मृत अवस्था में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करा है, जिसकी तकरीबन एक महीने बाद मिली पीएम रिपोर्ट में कनीराम की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई, जिस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी मनीषा को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला ने कहा कि कनीराम ने उसे अपने प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद वह लगातार परेशान कर रहा था, जिसके चलते प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी बबलू की तलाश जारी है। ये 14 जुलाई 2023 को थाना बाणगंगा पर अरविंदो से एक मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ था। इसमें मृतक कट्टू कनीराम चौहान, ये बर्दरी काकड़ पे रहता है, इसको परिजन मृत अवस्था में लेकर पहुंचे थे और प्रथम दृष्टया मृतक को शरीर पर कोई जाहिर चोटें भी नहीं थी, तो मामला सामान्य मृत्यु का प्रतीत हुआ। इसमें पीएम कराया गया था अरविंदो हॉस्पिटल में और परिजनों के द्वारा भी मृत्यु के संबंध में कोई शंका जाहिर नहीं की गई थी और उसकी पत्नी और बच्चों ने भी कोई शंका जाहिर नहीं की। इसमें पीएम रिपोर्ट जब प्राप्त हुई तो पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हेड इंजरी से होना पाया गया और उसमें कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी इसके सिर में थे, तो उसमें मृत्यु के कारण के आधार पर जब संदेह उत्पन्न हुआ तो संदेह के आधार पर जो इसकी जानकारी जब निकाली गई और परिजनों को पुनः पूछताछ की गई तो मृतक की पुत्री के द्वारा बताया गया कि इसकी माँ जब फैक्ट्री से अक्सर लेट आती थी तो उसका पिता के बीच में झगड़ा होता था और उनकी माँ जो है वो किसी से बात भी करती थी, तो इसकी जो मृतक की पत्नी है उसकी CBR भी निकाली गई और जो मृतक की पुत्री है उसने ये भी बताया कि घटना दिनांक की रात्रि में भी इनका पति पत्नी का झगड़ा हुआ था और पत्नी ने सिर में ईंट की इसको मृतक को मारी थी और अगले दिन भी सुबह जब ये इसका माँ का प्रेमी जब आया तो दोनों ने मिलके ईंटों से इसके सर में मारा और उसी से ये खटिया पर लेटे लेटे ही इसकी मृतक की मृत्यु हो गई। तो ये प्रथम दृष्टया मामला धारा 302 IPC के अंतर्गत पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जो मृतक की पत्नी है मन्नूबाई उर्फ मनीषा चौहान इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी प्रेमी जो है बबलू नाम आया है सामने, उसकी तलाश की जा रही है और उसके जो निवास के स्थान है वहाँ पर दबिश दी की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर चूँकि ड्यूटी इनकी फैक्ट्री से 6 बजे छूट जाती थी, लेकिन फिर भी कई बार रात्रि में 8-9 बजे तक लेट आती थी, तो ये पति जो है इसी बात को लेकर चरित्र को शंका जाहिर कर उसके आधार पर इससे झगड़ा करता था और इसी कारण जब लगातार झगड़ा इनका बढ़ने लगा तो जो उसका प्रेमी के साथ मिलके इसने अपने पति को रास्ते से हटाने की सोची और उसकी ये लगातार जो इनके बीच में जो झगड़े होते थे उसी कारण तात्कालिक रूप से उसने रात्रि में जब अपनी पति को ईंट से सर में मारा तो जो पति थोड़ा सा बेसुध सा हो गया था और इसीलिए फिर जब उनको सुबह जब इन्होंने देखा कि ये निढाल सा हो गया है तो उन्होंने अंततः इसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।